तो एक छोटी सी अपडेट हमें मिली है कि भाई अपना जो आईआईटी मंडी वाला रोड है वो अभी ओपन है, तो अभी हम उस रोड पे जा सकते हैं क्योंकि अपने जो दीपक भाई हैं वो ऑलरेडी उस रोड से मतलब मनाली की तरफ निकले हुए हैं। वो मतलब आधे से ज़्यादा रास्ता कवर कर चुके हैं, तो उन्होंने बोला कि भाई जल्दी से आ जाओ क्योंकि अगर बारिश होगी तो मे भी हो सकता कि वो वाला रोड भी क्लोज हो जाए और जितना भी यहाँ का ट्रैफिक है वो उसी रोड पर डाइवर्ट होने वाला है। तो इस वजह से हम लोग सो रहे थे, अदरवाइज तो हम लोग उसी टाइम निकल जाते क्योंकि एक तरीके से नींद भी ज़रूरी होती है। तो नींद हमारी कंप्लीट हो चुकी है, तो अब भी हम लोग यहाँ से अपना चेकआउट नहीं करेंगे, यहाँ पे बोल देंगे कि अगर हम वापस आए तो अपना रूम ले लेंगे और अगर नहीं आए तो चेकआउट कंसीडर कर देंगे। फिलहाल निकल चुके हैं अपना, वहाँ पे जो काउंटर पे बैठते हैं सरदार जी उनको बोल दिया था कि भाई अगर हम लोग वापस आते हैं तो भी कॉल कर देंगे, अगर नहीं आते तो आप चेकआउट कंसीडर कर देना, मतलब कॉल कर देंगे क्योंकि हमारा रूम है कल मॉर्निंग के 12 बजे तक, और अगर बाई चांस वापस आना पड़ा तो फिर डबल डबल चार्जेज लगेंगे इस वजह से। बाकी भाई साहब मनाली का वेदर देखो एक बार, सॉरी मंडी का वेदर देखो कितना प्यारा मस्त सा रखा। और यहाँ पे ये गुरुद्वारा साहिब थे जहाँ पे हम लोगों ने रूम लिया हुआ था, तो ओ भाई यहाँ पे भी लैंडस्लाइड हो रखी थी। फिलहाल धूप निकलना स्टार्ट हो चुकी है, तो मतलब ये भी एक प्लस पॉइंट है कि मौसम साफ होने वाला है, अभी नहीं तो 1 घंटे तक साफ हो जाएगा। बस हम लोग ना कुल्लू जैसे तैसे करके कुल्लू क्रॉस करते, कुल्लू के बाद तो फिर मनाली तक कोई भी बारिश नहीं है, और फिर मनाली क्रॉस करने के बाद तो कोई टेंशन है ही नहीं, हम टेंशन फ्री हो जाएंगे। और बाकी एक प्यारा सा खूबसूरत सा एक वाटरफॉल है छोटा सा, तो वाटरफॉल तो यहाँ पर काफ़ी सारे देखने को मिलेंगे। यहाँ भी आईआईटी मंडी के जस्ट पास ही है ना ये वाली जो लैंडस्लाइड है, इसी का मेन खतरा होता है कि भाई अपना यहाँ पे जब भी आते हैं लैंडस्लाइड मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो अगर यहाँ से निकल गया है फिर अभी कोई टेंशन नहीं है, फिर अभी डायरेक्ट हम लोग कुल्लू निकलेंगे और कोई भी मतलब रास्ता वैसे टूटा फूटा ही मिलने वाला है आगे, यहाँ से आगे का पूरा रास्ता है ना टूटा फूटा मिलने वाला है, लेकिन चलो अपना काम चल जाएगा। तो भाई अभी पेट्रोल फिल कराने की बारी आ चुकी है, तो अभी जो अपनी जिमनी की भी फाइनल जो एवरेज निकल के आएगी वो चेक करते हैं, क्योंकि मैंने आपको ओडो बता ही दिया था कि कितना था, और अभी का ओडो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले एक बार देखते हैं कि भाई हमारी जिमनी में कितना पेट्रोल आता है पहले। तो ले भाई शून्य कर दो, ठीक से बिल्कुल परफेक्ट से भाई। कितना आएगा मित्ते बता, चलो देखते हैं। तो फाइनल माइलेज फिर उसके अकॉर्डिंग ही निकलेगी, पकड़ ले यार, देख तू बड़ा भाई होगा छोटे भाई की मदद नहीं करेगा यार, अपना सेफ है यार। तो 2507 रुपये का आया है, तो ओडो देखते कितना है। उस टाइम कितना था अपना ऑटो, उस टाइम था हमारा 1571। अरे चाबी तेरे पास है, काट काट। तो अभी जो है 1919 है, 1571 और 1919, तो कितना किलोमीटर चल गई। तो अभी एक मिनट निकालते हैं अपनी फाइनल माइलेज, पंद्रह सौ इकहत्तर 348 किलोमीटर चली है, और कितने का आया हमारा 2507 रुपये का, कितने लीटर आया है 26 लीटर आया।
तो हमारा जो पेट्रोल आया है वो आया 26 लीटर डिवाइडेड 26, तो हमारी जो जिमनी ने फाइनल माइलेज निकाल के दिया वो है 13.38 की। यार बहुत ही सही है, एग्जैक्ट इसमें भी सेम वही दिखा रखा है कि 13.7 की माइलेज और इसमें 13.38, तो भाई बहुत प्यारी माइलेज निकाल के दिया जिमनी ने। यहाँ पे तो थोड़ा सा प्लस पॉइंट दे दिया, दिल खुश कर दिया है। बाकी चलो आगे देखते आगे क्या माइलेज रहने वाली। तो अभी सीट चेंज कर लिया हम लोगों ने, अभी मैं आ चुका हूँ ड्राइवर सीट पर और अमित भाई आ चुके हैं अपना पैसेंजर पे। बोल रहे हैं कि मेरे से वीडियो नहीं बन रही है, तो बना नहीं रहा, तो इस वजह से इनको शिकायत थी, तो हम लोगों ने कर ही लिया फाइनली चेंज। तो आईआईटी मंडी के ऊपर भाई साहब कितने प्यारे बादल हो रखे, कितना प्यारा ही मतलब नज़ारा है। जो लोग यहाँ पे अभी इस टाइम पढ़ रहे होंगे ना यार, उनकी तो देखा जाए ना एक तरीके से मौज है। यहाँ पे ना एक ये बहुत ही प्यारा खूबसूरत सा टेम्पल है, इस टेम्पल का मेरे को नाम नहीं पता, मैंने 2-3 बार आने का प्लान कर लिया है यहाँ पे, लेकिन मैं यहाँ पे मतलब कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है, यहाँ से पास से चले जाते हैं लेकिन टेंपल में नहीं जा पाते। तो अगर बाय चांस आते टाइम हमें ये रास्ता ओपन मिलता है और मतलब दूसरे रास्ते को अवॉइड करके इसी रूट से आते हैं ना, तो फिर पक्का ये वाला टेंपल को विजिट करूँगा। ओ इतना खूबसूरत सा नज़ारा था, और इस खूबसूरत से नज़ारे में जिमनी ने 4 चांद लगा दिए यार, मतलब ना सच बताऊँ मज़ा आ गया। और वो सामने की तरफ टेंपल देखिए, उठते हुए बादल देखिए, कितने प्यारे कितने खूबसूरत से लग रहे हैं ना। एक तरफ इतना खूबसूरत नज़ारा और दूसरी तरफ इतना ख़तरनाक है कि उस तरफ देखने को मिलेगी आपको लैंडस्लाइड। तो फिलहाल अभी यहाँ से एम्बुलेंस और बस की क्रॉसिंग हो रही है। इतना प्यारा नज़ारा था कि हम लोगों ने गाड़ी रोक ली कि भाई फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करते हैं और रील्स वगैरह बनाते हैं। तो अगर आपको रील्स देखना है प्रॉपर अप टू डेट रहना है हमारे साथ, तो आपको मेरे से जुड़ना पड़ेगा इंस्टाग्राम पे। तो इंस्टाग्राम पे रेगुलर अपडेट आती रहती है और इंस्टाग्राम आईडी का हैंडल नीचे है, तो भाई जाके फॉलो कर लीजिए जल्दी से जल्दी, क्योंकि आगे भाई ज़बरदस्त वाली रील्स देखने को मिलने वाली है। मतलब बारिश के बाद का जो यहाँ का वेदर होता है ना, एक चीज़ है बारिश में ये देखो मतलब ये कितना खतरनाक रूप धारण कर लेता है, मतलब वो बोलते हैं ना माँ काली वाला प्रचंड रूप धारण कर लेता है, और बारिश के बाद शिव की तरह बिल्कुल ठंडा। आय हाय क्या ही बात है, मतलब ऐसे बादल बन रहे हैं, बादल उठ रहे हैं और चल रहे हैं भाई, और ये पूरी ग्रीनरी मतलब ना कलर इतने ज़्यादा निखर जाते हैं ना बारिश के बाद, बस अलग ही लेवल है। हाल भाई यहाँ पे रुके हैं कुल्लू से लगभग 15 किलोमीटर पहले, यहाँ पे कोई मतलब छोटी सी लैंडस्लाइड हो रखी है, और वहाँ पे ना एक गाड़ी वाला हमारे साथ साथ ना थार वाला था, उसने थार फंसा दी थी। चलो फाइनली निकल गया, सामने से क्रेटा आ गया दूसरी लेन में से, तो एम्बुलेंस को रास्ता दे के फिर अपनी गाड़ी निकाल लेंगे। चलो भाई चल गया, ओपन हो गया फाइनली, अदरवाइज ना कई बंदे अकड़ के खड़े हो जाते कि मैं पीछे नहीं लूँगा, और सेम वही चीज़ सिचुएशन अभी देखने को मिली थी, मतलब गाड़ी वाले ने पीछे गाड़ी नहीं ली, तो दूसरी जो लाइन थी उन बंदों ने थोड़ा कोऑपरेट करके आगे पीछे किया। बंजौर पहुँच चुके हैं और अपना जो ये हाईवे है तो उस पर कनेक्ट हो चुके हैं। अभी यहाँ से अपना कुल्लू रह गया 20 किलोमीटर, और फिर कुल्लू से आगे मनाली, तो मे बी 1-1.5 घंटे का रास्ता रह गया। और भाई साहब नज़ारे यहाँ के भी काफ़ी अच्छे हैं, यहाँ पे बारिश नहीं हुई है, और जैसा कि आगे भी अपडेट मिल चुकी है हमें, आगे भी कोई बारिश नहीं है, तो शिशु टॉप तक का रास्ता बिल्कुल मस्त मिलने वाला है भाई साहब। तो जर्नी एक नंबर रहने वाली है, बस थोड़ा सा एक बार मनाली क्रॉस कर दे, मनाली क्रॉस करने के बाद हमें कोई भी टेंशन नहीं है, सिर्फ मनाली तक की थोड़ी सी टेंशन है, और बाकी एक बार ये नज़ारा देखो। लिया एक छोटा सा प्यारा सा ब्रेक और यहाँ पे अपना बन के रेडी हो चुका भाई गन्ने का जूस। यहाँ से निकलेंगे और ये अपना एक्सप्लोर ऑन व्हील, सच में एक्सप्लोर कर रहे हैं भाई।
अभी अपने कुलचे तैयार कर रहे हैं। हेलो आप लोग तो भाई अपना इसको डबल रोटी बोलो या कुलचा बोलो जैसा बोलो, वैसा खाएंगे भी नहीं यहाँ पर। निकल चुके हैं अपना छोले कुलचे और गोलगप्पे खा के, थोड़ी सी पेट पूजा हो गया क्योंकि सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। मतलब सुबह अपना जो भी ब्रेकफास्ट में परौंठे वगैरह खाए थे उसके बाद से अभी खाना खाया है। तो अभी हम लोगों ने जो डिसीजन लिया वो लिया है कि भाई अभी हम लोग नगर होके जाएंगे, क्योंकि नगर वाला रास्ता सिंगल वे जरूर है, ठीक ठाक है, लेकिन ऊपर वाले में क्या है कि ट्रैफिक ज़्यादा लगता है, कि रोड कहीं कहीं से डैमेज है जिसकी वजह से जाम लग जाता है। तो एक बार एक साइड के निकालते हैं, एक बार एक साइड के, तो उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। और यहाँ से भी देखो आप ये रोड कंडीशन, पूरा का पूरा रोड ही मतलब अंदर चला गया है, अभी काम चला हुआ है यहाँ पर भी हर जगह। मतलब आपको अभी कंस्ट्रक्शन का काम देखने को मिलेगा। और मनाली के तो हाल ना भाई बहुत ही ज़्यादा बुरे हो रखे हैं, रीज़न वही कि भी बाढ़ वगैरह का और खूबसूरत से खतरनाक से नज़ारे का। रोड सही है, मजा लीजिए, बिल्कुल सही है ये, बिल्कुल सही है, नगर वाला रास्ता नहीं है, पक्का है वो जी। अरे बता दिया गुरु जी, आगे जाकर मिलेगा, ये ब्रिज क्रॉस करेंगे हम। हमारे दोनों तरफ हैं सेब के पेड़, सेब के बाग हैं यार, बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। मन कर रहा कि ना जो ग्रीन ग्रीन सी सेब लटकी पड़ी है ना तोड़ के खा जाऊं, लेकिन भाई किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी है, क्या ही कर सकते हैं। तो भाई फिलहाल अपने को रूम मिल चुका है, मतलब काफ़ी एक जायज रेट में रूम मिल गया है, क्योंकि अभी ऑफ सीजन चला हुआ है। तो अपना रूम कुछ ऐसा रहने वाला है, एक डबल बेड यहाँ पे है और एक मसाज वाला बेड यहाँ पे भी है ये देखो। तो भाई एक मसाज वाला और वॉशरूम भी काफ़ी अच्छा है, वॉशरूम भी काफ़ी अच्छा, मतलब बहुत ही जायज सही रेट में हमें रूम मिल गया। तो फिलहाल अभी थोड़ा सा फ्रेश होते हैं, उसके बाद जाएंगे माल रोड। माल तो अभी फाइनली अपना रूम पे आ चुके, डिनर वगैरह अपना हो गया, सब कुछ हो गया है। मतलब अभी बस एडिटिंग मोड एक्टिवेट कर दिया, क्योंकि भाई आज की जो पूरी की पूरी वीडियो है वो अभी एडिट करके अपलोड कर दूंगा, तभी वो कल पे शेड्यूल होगी। तो भाई आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो मिलते कल की एक नई मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।